आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोमवती अमावस्या पे आपको पूजा कैसे करनी है, पूजा की तैयारी कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, सोमवती अमावस्या की कथा क्या है और इस दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्ते, मेरे चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त नीता, आप लोग कैसे हैं? अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और उसके बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के निशान को भी प्रेस करिए। ये एकदम निशुल्क है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सोमवती अमावस्या क्या होती है? हर महीने दोस्तों अमावस्या की तिथि आती है। अगर जब ये तिथि सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा करने का बहुत ही विशेष विधान है, ऐसा माना जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां या सुहागिन स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां इस दिन पीपल देवता की फेरी लेती हैं या पूजा करती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है, यानी वो सदा सुहागन रहती हैं। तो दोस्तों इस दिन पूजा की क्या तैयारियां करनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। आप एक दिन पहले अपने घर में एक श्रीफल या नारियल ले आएं और साथ ही साथ सुहाग की पुड़िया ले आएं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसे कई जगहों पे जहाँ ये उपास रखा जाता है वहां पे सुहाग की पुड़िया मिलती है। अगर सुहाग की पुड़िया ना मिले तो आप कुछ चूड़ी ले आए या सुहाग का कुछ सामान ले आए। अब आपको इसके बाद तीसरी चीज रखनी है, आपको जिस चीज की फेरी लगानी है आपको वो 108 चीजें लाके रखनी है। आप एक बार में दो दो चीजों की फेरी लगाते हैं। जैसे अगर आप किसी खाने की चीज की फेरी लगा रहे हैं तो जैसे बिस्किट और टॉफी, तो आप 54 बिस्किट और 54 टॉफी ले लीजिए। या फिर अगर आप बादाम और काजू की फेरी लगा रहे हैं तो 54 बादाम, 54 काजू ले लीजिए। इसी तरह अगर आप सुहाग के सामान की फेरी लगा रहे हैं तो आप 54 चूड़ियां और 54 बिंदी ले लीजिए। तो इस तरह जो भी चीजें हैं जोड़ी में रख के आपको उनकी फेरी लगानी है। धान पान और श्रृंगार इन चीजों की फेरी लगाई जाती है। इस दिन दोस्तों केवल निषेध होता है, यानी मना होता है मूल और सूत का छूना, यानी आपको इस दिन पे मूली और रुई इन दोनों को नहीं छूना चाहिए। इस दिन आप जब भी दीपक बनाएंगे तो आप रुई का दीपक नहीं बना सकते हैं। आप इस दिन दीपक बनाने के लिए कलावे का इस्तेमाल करें। कलावे को लेके उसमें घी लगा के आप उसका दीपक बनाएं और उसे ही जलाएं। इस दिन आप घर की पूजा में भी रुई का इस्तेमाल न करें तो अच्छा होगा। अब मैं शुरू करती हूँ इस दिन की पूजा की विधि बताना। ये तो हो गई तैयारी की बात। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, जिस दिन अमावस की तिथि है, जिस दिन सोमवती अमावस्या है, आपको सुबह से शांत रहना है, यानी मौन रहना है। इस दिन मौन रहने का विधान होता है, ऐसा माना जाता है। मौन रहने से ये व्रत ज्यादा अच्छे से सिद्ध होता है। और अगर ऐसा संभव ना हो तो एटलीस्ट आप उतना कम बोले जितना जरूरी हो। अब आप नहा धो के सारे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सुबह सुबह पूजा करें। अपने घर में एक आंगन में जगह साफ कर लें। अगर आपके पास पीपल का पौधा हो या पीपल का वृक्ष है तो आप उसके आसपास सफाई करके वहां परिक्रमा दे सकते हैं। परिक्रमा या फेरी देने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। इसे अश्वत्थ परिक्रमा व्रत भी कहा जाता है, अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत जहां तक है। तो अब आप इस दिन चाहे तो पीपल और तुलसी दोनों की ही फेरी दे सकते हैं। फेरी देने के लिए आपको वहां पे एक सूत और होना चाहिए। सूत का धागा आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसे आप लाके पूजा में रख लें। विधिवत जैसे पूजा की तैयारी होती है वैसे ही पूजा की तैयारी करें। वहां दीपक जलाएं, जैसे मैंने आपको बताया कलावे का दीपक जलाएं। आप पानी और दूध से स्नान कराएं पीपल देवता का, या फिर अगर आप तुलसी की पूजा करनी है तो आप उनका स्नान कराएं, उन पे टीका लगाएं, रोली का या सिंदूर का चावल चढ़ाएं। उसके बाद आप उन्हें चूड़ी यानी सुहाग का सामान वहां रखें और अगर आप कुछ अपने इच्छा अनुसार वहां फल मिठाई प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो चढ़ाएं और चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद अब आप प्रदक्षिणा करें, यानी वहां पे भवरी दें। तो आप उसमें जो है भवरी आप देंगे, आप दाएं तरफ से चलते हुए इस भवरी को शुरू करेंगे। आपको 108 प्रदक्षिणा देनी है और हर एक बार जब भी आप चक्कर लगाएंगे या प्रदक्षिणा देंगे तो जो सामान आपने सुहाग का या खाने पीने का लाके रखा हुआ है, एक बड़ा बर्तन रख लें, वहां प्रदक्षिणा करके वो सामान रखते जाएं। इस पूरे पूजा को करते हुए आपको एकदम चुप रहना है ज्यादा से ज्यादातर समय।
आप वहां पे प्रदक्षिणा करते जाए। अब अगर जैसे आप 108 प्रदक्षिणा नहीं कर पाते हैं तो आप केवल 54 परिक्रमा कर सकते हैं, और हर बार में आप दो दो सामान रखें। और अगर आप 54 परिक्रमा भी नहीं कर पाते हैं, आपकी बहुत उम्र है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस विशेष दिन पे, तो आप 27 परिक्रमा करें और चार चार सामान को वहां पे रखें। इस तरह से आप पीपल की या तुलसी की फेरी लेके ये पूजा आप यहाँ तक पूर्ण करें। इसके बाद आपको सुननी है व्रत की कथा। तो हाथ में चावल और फूल लेके वहां पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक इंसान इस कथा को पढ़ सकता है। कथा इस प्रकार है, अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा बता रही हूँ। एक सोना नाम की धोबन स्त्री थी, वो बहुत ही पति परायण स्त्री थी। उनका यश दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता था सोना धोबन अगर किसी को अपना सुहाग देते तो उनका सुहाग की उम्र बढ़ जाती है, या उनका दिया हुआ सुहाग बहुत अमर होता है। और ऐसा माना जाता था कि जब भी सोना उनके घर में उनके बेटे बहू और उनके पति रहते थे, जब जब वो अपना सुहाग किसी को दे देती थी तो उस समय उनके पति की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी। तो जब भी वो अपने घर से आती थी तो हमेशा अपनी बहू और बेटों को कह के आती थी कि तुम अपने पिताजी का ख्याल रखना, जब तक कि मैं बाहर से होके ना आ जाऊं तब तक तुम इन्हें कहीं पे भी मत ले जाना, इन्हें घर पे सुरक्षित रखना। तो जब भी कोई उनको बहुत दूर से बुलाने आता कि अगर हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है, या किसी का कोई वैधव्य योग होता है, किसी के जीवन में अगर कोई विवाह का सुख नहीं होता, तो सोना धोबन उनके घर जाती थी और उन्हें सुहाग देती थी। और जब जब वो ऐसा करती तो उनके पति की तबीयत खराब हो जाती थी। फिर अगर वहां पे सोमवती अमावस्या पड़ती थी तो वह सोमवती अमावस्या पे पीपल की फेरी देके प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके अपना व्रत उपवास करके सोमवती अमावस्या को पूरी तरह से पारायण करती थी। उसके बाद उनके पति पूरी तरह से वैसे ही स्वस्थ हो जाते थे। तो इस तरह की बहुत ही प्रतापवान धोवन, बहुत ही संस्कारी स्त्री थी सोना। ये इनकी कथा है। इसको सुनने के बाद आप वहां पर जो आपके हाथ में चावल और फूल है वो आप भगवान पे अर्पित कर दें, और जिस तरह से सोना धोवन के दिए हुए सुहाग से सबका सौभाग्य अखंड होता है, वैसे ही आप अपने लिए प्रार्थना करें। इस दिन पर जो स्त्रियां, जो विवाहित स्त्रियां या शादीशुदा स्त्रियां सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उन्हें पुत्र पौत्र का सुख मिलता है, घर में यश और समृद्धि आती है। ऐसा भी कहा जाता है अमावस्या के दिन जो लोग पूजा करते हैं और अगर जो इस दिन परिक्रमा करते हैं उन्हें सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही प्रतापवान व्रत है। इस व्रत को करने का फल बहुत ही उत्तम होता है। इस तरह पूजा अर्चना करने के बाद आपको वहां पे आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, आप क्षमा याचना कर लें, उसके बाद आप इस दिन ब्राह्मण को दान दें। दान देने का बहुत ही विशेष फल होता है। दान में आपको सीधा बना के रखना चाहिए, जिसमें आलू, नमक, हल्दी, घी, आटा और जो भी, यानी ये दान का जो सामान होता है इसमें जैसे फल होंगे, जो भी चीजें आपने चढ़ाई है उसका कुछ भाग आप ब्राह्मण देवता को, जो भी सुनियोजित पात्र, जो भी अच्छे ब्राह्मण हैं, आप उन्हें ये दान का सीधा जरूर दें। तो जब आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो गई, अब आपने दान दे दिया, इसके बाद आप उपवास रखने के बाद एक टाइम शाम में आप कुछ भी फलहार का भोजन कर सकती हैं। इस तरह से आप दिन भर व्रत उपवास करके सोमवती अमावस्या का पूरा फल पा सकते हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्रत है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कथा और ये व्रत की जो विधि मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन अब जैसे अगर कोई स्त्रियां बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, उनसे व्रत नहीं रखा जा रहा है और वो चाहती हैं कि वो सोमवती अमावस्या का जो व्रत है उसका उद्यापन कर दें, तो उन्हें उद्यापन के लिए जो डेली वाला नमक होता है, खड़ा नमक, इसे हम देसी नमक भी कहते हैं, तो वो देसी नमक का जो ढेला है उससे उद्यापन कर सकते हैं। उन्हें 108 छोटी छोटी देसी नमक की ढेली ले सकते हैं और वो उसकी परिक्रमा देके उसका उद्यापन कर सकती हैं। कई कई स्त्रियां बहुत ही वृद्ध हो जाती हैं तो वो व्रत अगर नहीं कर पा रही हैं तो इस स्थिति में वो इस तरह से उद्यापन कर सकती हैं। और इस दिन जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ दो चीजों का निषेध होता है, मूल और सूद। जैसे मूली को ना आपको छूना है, ना किसी को दान में देना है। इस दिन आपको मूली का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के पैसे का जो भी मूलधन है आपको उसको छूना चाहिए या उससे कुछ लेन देन करना चाहिए।
सूद यानी आप हो सके तो रुई का दीपक कहीं पे भी ना लगाएं, ना घर की पूजा में लगाएं, ना ही आप जब सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही हैं तब वो दीपक लगाएं। इस तरह दोस्तों श्रद्धा भाव से इस दिन का उपवास करने से ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों अगर आपको पसंद आया है। मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट जरूर देखिएगा और लिंक पे क्लिक करके मेरे सभी दूसरे वीडियोस भी देखिएगा। अगली बार फिर एक नया वीडियो लेके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।